जी डीसी साहब, क्या कहना चाहेंगे, करनाल में पहला कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है, रसीन गांव का, क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि आज जो घरोंडा में रसीन गांव पड़ता है, घरोंडा सब डिवीजन में, उसमें एक पहला मामला आया है कि इंडिविजुअल थे, बुजुर्ग थे, 58 साल की उनकी उम्र है, जिनका सैंपल हमने पीजीआई चंडीगढ़ में जिनको रेफर किया गया था वहाँ पे उनकी टेस्ट की गई और आज उनमें जो कोविड है उसके पॉजिटिव रिपोर्ट आने की बात आई है। इनके जो कल्पना चावला में इनकी भर्ती हुई थी, 25 तारीख को इनको एडमिट किया गया था कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और 1 तारीख को इनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ने के बाद इनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया और कल उनका जो है सैंपल लिया गया था, आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जहाँ तक वहाँ के सोर्सेज से पता चला है कि उनकी हालत, हालांकि वो आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर में रखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में अब सुधार है। उनके परिवार में जितने भी लोग थे उनको हमने ट्रैक करके और उनको भी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उन सब का सैंपल लिया जाएगा और जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जो एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं वो इस सारे जो कंटेनमेंट प्लान के तहत जो भी एक्टिविटी होगी उसके ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। एसडीएम और डीएसपी हैं, दोनों साइट पे हैं। इस जो रसीन गांव है इसकी सारी की सारी एंट्री बंद कर दी गई हैं, पूरे गांव को सील कर दिया गया है और इसको हमने एज पर कंटेनमेंट प्लान कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। साथ ही जो एडजोइनिंग एरियाज थे, हसनपुर गांव है, उपली गांव है, इनको हमने बफर जोन डिक्लेयर किया है। जब तक इस गांव के आसपास के सभी घरों की स्क्रीनिंग नहीं हो जाती, उनका थर्मल स्क्रीनिंग और सेंसर्स से डिटेल नहीं ले ली जाती, तब तक किसी को भी मूव करने की आज़ादी नहीं होगी। इसके लिए सफिशियंट मात्रा में हमने पुलिस फोर्स नाकों पे भी डिप्लॉय कर दी है और जो हमारी हेल्थ की टीम है, जो सर्वेलेंस टीम है, वो मौके पे पहुंच चुकी है। एसएमओ घरोंडा भी साइट पे हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो भी साइट पे हैं। तो जो जो हमारी हेल्थ की टीम है उन्होंने पूरी पीपीई किट्स के साथ और पूरी प्रिकॉशंस के साथ स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि आज रात तक स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उससे हम ये पता कर पाएंगे कि जो कंटे इसका जो एक्सपोजर है और कितना फैलाव है वो कितना है। कितनी आबादी है सर पूरे गांव की? लगभग गांव लगभग 250-300 घर होंगे गांव में और बहुत बड़ा गांव तो नहीं है, लेकिन एज पर द एन कोविड प्रोटोकॉल्स जो आसपास का सराउंडिंग एरियाज है उसको भी हमने नज़र में रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी अगर कोई इंडिविजुअल के कॉन्टैक्ट में उनके आए होंगे तो फैलाव के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हमने लार्ज नंबर पे ड्यूटीज़ लगाई हैं। एक तो हमारा प्लान है कि आज शाम तक सारी की सारी स्क्रीनिंग घरों की कंप्लीट हो जाए, ताकि और भी कोई अगर इस तरीके के मामले हैं जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए। साथ में हमने बीडीपीओ की ड्यूटी लगाई है कि वो इस एरिया में एक सैनिटाइजेशन कराएंगे, ताकि इनकेस कोई वायरस के लक्षण होंगे उनको दूर किया जा सके। और एसपी साहब ने ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दी हैं, सारे पुलिस पर्सनल्स को हमने ये डायरेक्ट किया है कि वो नाके लगाएंगे और किसी को ना अंदर आने देंगे ना बाहर ट्रैवल करने देंगे। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को डायरेक्शन दी है कि वो गांव के चारों तरफ पक्के नाके भी लगाएंगे ताकि व्हीकल्स की मूवमेंट को रोका जा सके। जो हमारे ZHSAMB है और MD शुगर मिल है, ये हमारे राशन और सब्जी की सप्लाई, जब तक ये स्क्रीनिंग और बाकी चीज़ें चलती हैं तब तक गाँव को सप्लाई देंगे। बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, पब्लिक हेल्थ के ऑफिशियल्स हैं, इनको बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, इसकी तरह इसके लिए डायरेक्शंस दे दी गई हैं। GM रोडवेज की ड्यूटी लगाई गई है कि जो हेल्थ पर्सनल हैं जिनको बसेस से वाले के जाना और लाना, उसके लिए बसेस प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा एक पूरा कंटेनमेंट प्लान इन प्लेस है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जल्दी ही स्क्रीनिंग के बाद हमें संख्या सामने आ जाएगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड। तो डॉक्टर्स का भी रखा जाएगा सर एज पर प्रोटोकॉल, जो डॉक्टर्स या जो नर्सिस थी? बिल्कुल, जो जो लोग कल्पना चावला में जब इनको रखा गया था, जनरल वार्ड में भी कुछ समय तक रखा गया और उस दौरान जो भी हमारे हेल्थ पर्सनल हैं जो इनके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको हम क्वारंटाइन तो कर ही रहे हैं, साथ में उनके सैंपल्स भी लेकर के एज पर प्रोटोकॉल जांच करवाई जाए। प्राइम ऑफिस सर क्या लग रहा है, क्योंकि तो संपर्क में आने से होता, तो क्या इनके घर में या गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति आया था? अभी तक तो जो हमें सूचना मिली है ना तो इन इंडिविजुअल की ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही कोई पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट का मामला सामने आया है। हालांकि उम्र ज़्यादा होने की वजह से और ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इश्यूज थे उनको, तो अभी ये कहना संभव नहीं हो पाएगा कि किस वजह से और किस तरीके से इनके पास संक्रमण पहुँचा।
लेकिन इस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में किस किस के संपर्क में आए थे, और जल्दी इसका पता लग जाएगा कि किस वजह से इनमें इन्फेक्शन पहुंचा रूमर है। सर काफी क्या मैसेज देना चाहेंगे करनाल के लोगों को? अभी तक बचाव था करनाल में, लेकिन अभी केस पहला पॉजिटिव केस आ गया। देखिए मैं यही सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि रूमर्स में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की पूरी तैयारी है, जो भी कोई इस तरह के मामले आते हैं तुरंत हम टीम भेज करके उनका या तो सील एरिया सील कराना है, उसके बाद स्क्रीनिंग करानी है, टेम्परेचर्स लेने हैं लोगों के, वो हम करते हैं। तो हमारी टीम ऑलरेडी जैसे ही संज्ञान में, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी टीम जो है, मेडिकल टीम भी, SDM DSP हमारे सारे लोग वहाँ पे साइट पे तुरंत पहुँच गए थे और उन्होंने अपना कार्य चालू कर दिया है। तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कोई उस तरह की, वी आर वेरी पॉजिटिव कि इस तरह की चीज़ें, फैलाव की जो बात है वो उस एरिया में, उस गांव में ना निकले, और अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से शहर में तो लोग मेंटेन कर रहे हैं लॉकडाउन का, गांव में नहीं कर रहे थे, तो गांव के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? प्रशासनिक तौर पर क्या एडवाइजरी है? देखिए मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर इस तरह की कोई बात आती है, जैसे ये एक पॉजिटिव केस आया है, अगर हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो एक बड़ा खतरा बढ़ जाता है कि ये जो महामारी है ये बाकी लोगों में भी तुरंत फैल सकती है, क्योंकि बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तुरंत लोगों के कांटेक्ट में आते ही फैल जाती है। तो लॉकडाउन का फॉलो करें, उसका पालन करें, और अगर हम अपने अपने घरों में रहें और बहुत ज़रूरी काम के अलावा बाहर ना निकलें, तो जो इक्के दुक्के इस तरह के केसेस हैं वो वहीं तक लिमिट होके रह जाएंगे, और ये जो वायरल डिजीज़ है ये आगे नहीं फैलेगी। तो गोरोंडा हल्के का गांव है सर ये? घरोंडा हल्के का गांव पड़ता है, और इसलिए SDM DSP करस्पॉन्डिंगली वो साइट पे हैं, पहुंच चुके हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं करनाल के उपायुक्त कार्यालय में। एक अंत में एक मैसेज जो है लेना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन है अभी भी 13 से 14 दिन पड़े हैं, उसको बिल्कुल जो है आप सही तरीके से लेकर चलें, क्योंकि करनाल के घरोंडा हल्के के रसीन गांव में जो है एक मामला सामने आया। हालांकि हमने आपको पहले रायसन बताया था, लेकिन वो रसीन गांव है जो घरोंडा हल्के का पड़ता है, और इस समय करनाल के जो उपायुक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हमको बताना चाहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जरूर है, ताकि गाँव के लोग जो है इसको सीरियसली जरूर लें, क्योंकि गाँव में देखा जा रहा था कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। और इस समय करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, तो जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सर अंत में करनाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घरोंडा हल्के के रसीन गांव में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए मेरा यही मैसेज रहेगा सबका कि सब लोग लॉकडाउन को फॉलो करें, और अगर हम अपने अपने घरों में रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की जो बात है या इस तरह की कोई बीमारी है, वो महामारी है, वो बिल्कुल आगे नहीं फैलेगी। तो लॉकडाउन का इसमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने अपने घरों में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको कंटेन कर पाएंगे, और ये जो पूरी महामारी इक्के दुक्के केसेस तक ही लिमिटेड हो जाएगी। प्रशासन इसके लिए पूरी तैयार है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों पे ध्यान देने की, विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, बस सब लोग आइसोलेटेड रहें, अपने अपने घरों में ही रहें। सर सबसे बड़ी बात, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी कोई इनकी, वो कैसे मतलब लगता है कि देखिए कई सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी, हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, 15 दिन से किस किस के कॉन्टैक्ट्स में थे। अभी तक जो प्राइमा फेसी पता चला है उसमें ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री पता चली है, और ना ही कोई पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आने का केस पता चला है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी मेडिकल जाँच चल रही है, हमारी पूरी मेडिकल टीम इस पर लगी हुई है, उसके बाद ही बताने में सक्षम हो पाएंगे कि किस तरह का मुद्दा। तो घरोंडा हल्के के रसीन गांव के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि कोई पैनिक ना करें, और खास तौर पर जैसे कि उनके घर के आसपास वो एक वायरल कर देते हैं कोविड के पोस्टर्स होते हैं, क्वारंटाइन के पोस्टर होते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रसीन गांव के लोगों से, हसनपुर उपली जो आसपास के गांव है, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि कोई भी घर से बाहर ना निकलें, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण कार्य है, कोई भी बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहें। हेल्थ की टीम आपके घर पे आएगी, आपकी जांच करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको संक्रमित बताया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ है, जस्ट वो ये देख रहे हैं कि कोई टेम्परेचर का, फीवर का लक्षण तो नहीं है। और तो इसलिए मेरी उनसे आग्रह रहेगी कि जो हेल्थ टीम की टीम जाएगी, उनके लोग जाएंगे उनके घर पे, उनको पूरी तरीके से सहयोग करें। तो ये आपने देखा करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जो है इस समय जुड़ रहे थे, और करनाल के लोगों को एक मैसेज देते हुए कि करनाल में पहला कोरोना का मामला सामने आया है, पॉजिटिव मामला है, करनाल के घरोंडा हल्के के रसीन गांव का मामला है। हालांकि हमने जो पहले आपको लाइव बताया उसमें रसीना बोला गया था, लेकिन हमको बताने रायसन बोला गया था, लेकिन ये गाँव जो है रसीन है, और इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सावधानी बरतें, बिल्कुल भी जो है लापरवाही न बरतें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।